तो व्हाट आर द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा को क्रैक करने के लिए या उसमें उत्तीर्ण होने के लिए? तो कुछ 10 चीज़ें मैंने लिखी हैं अभी पर्सनली, मैं बैठ के मेरे नोट्स बना रहा था। तो ये 10 चीज़ें अगर कोई कर लेगा तो उसके चांस एटलीस्ट डबल हो जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं 3 गुना हो जाएंगे, कोई बोलते हैं 50 गुना हो जाएंगे, कोई बोलते हैं 100% सिलेक्शन हो जाएगा। वो सब गलत है, 100% कोई गारंटी नहीं ले सकता किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है? तो लेकिन फिर भी डबल चांस होने की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो सबसे पहला होता है कि यू हैव टू, आपके जो सही कारणों के कारण आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू हैव टू हैव द राइट रीजंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि क्योंकि आपको 3 से 5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके रीजंस राइट होने चाहिए, ठीक है? लोगों को पता नहीं होता कि वो क्यों दे रहे हैं, जैसे क्यों दे रहे हैं, बैंक क्यों दे रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी क्यों दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्यों लिख रहे हैं, सीडीएस में क्यों जा रहे हैं, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहली जो चीज़ है आपको अपना रीजन पता होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है वो, वहाँ पर मैं आपको उस पर जज नहीं कर रहा हूँ कि आप भाई इसलिए पढ़ रहे हो, इसलिए पढ़ रहा है, ठीक है? तो दैट इज रॉन्ग। बट सेकंड थिंग इज कि आपको अगर खुद को क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कभी भी इस पर परसीवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 3 से 5 साल जो 90% लोगों को क्रैक करने में लगेगा, दैट विल बिकम वर्चुअली इंपॉसिबल। सो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप अपने रीजन जो है, आपके जो कारण है कि किस कारणवश मैं इस प्रतियोगी परीक्षा में पार्टिसिपेट ले रहा हूँ, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भागीदारी कर रहा हूँ, वो क्यों कर रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्यों मेरे को मेरे साल के 5 साल करना पड़ेगा, ठीक है? क्यों मेरे को अपने जिंदगी के मतलब 5 साल